पीकेडी मोटर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों में महफूज हों। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और न्यू वीडियो और एक नई डिस्कशन का टॉपिक जो है होंडा सिटी वर्सेस टोयोटा यारिस। जैसा कि आप सब जानते हैं टोयोटा ने पिछले महीने ही अपनी न्यू गाड़ी लॉन्च की है टोयोटा यारिस। बेसिकली टोयोटा यारिस दो मॉडल्स को रिप्लेस करती है टोयोटा के। पहली है टोयोटा करोला XLI, टोयोटा करोला GLI। इस वीडियो में हम बेसिकली चार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में। उसमें हम देखेंगे कि दोनों गाड़ियों की कीमतें क्या हैं, दूसरा हम ये देखेंगे कि दोनों गाड़ियों के फीचर्स क्या हैं, दोनों गाड़ियाँ क्या फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, तीसरा हम देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, इकोनॉमी क्या देती हैं वो, और आखिरी हम जो टॉपिक देखेंगे वो होगा उनकी रिलायबिलिटी। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उन गाड़ियों को जो ये रिप्लेस कर रही है। टोयोटा इंडस पाकिस्तान में आज से 30 साल पहले 1990 में आया था। तब टोयोटा की जो पहली गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी वो टोयोटा करोला थी, और टोयोटा करोला में जो उन्होंने वेरियंट दिए थे उनमें GLI भी एक वेरियंट था। यानी GLI टोयोटा करोला GLI पिछले 30 साल से पाकिस्तान में चल रही थी। इन 30 सालों में इसने चार जनरेशंस देखी, जिसमें अल मशहूर 2003 मॉडल की, इसमें जिसमें सबसे पहले 1990 की इंडस करोला बहुत मशहूर हुई, उसके बाद 2003 मॉडल में नई करोला इन्होंने लॉन्च की, फिर उसके बाद 2008 में की, और जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा था वो 2014 में लॉन्च किया गया था। टोयोटा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि उन्होंने अपनी इतनी पुरानी चलती हुई गाड़ी के मॉडल को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह बिल्कुल ही नई गाड़ी दे दी। तो हम इसी वीडियो में यही देखेंगे कि क्या ये इनका एक अच्छा फैसला था जो इन्होंने गाड़ी लॉन्च की है, क्या वो इसके डायरेक्ट कंपेटिटर को होंडा सिटी को कम्पीट करती है या उससे बेहतर है। इन डेप्थ रिव्यू तो नहीं दिया जा सकता, वो तभी दिया जा सकता है जब गाड़ी मार्केट में आएगी, लोग खरीदेंगे उसे, चलाएंगे और उसके बाद उसकी चीज़ें देखेंगे कि वो रिलायबल है, कंफर्टेबल है, वो बेसिक चीज़ें तो ये सारी डिटेल रिव्यू में ही पता चल सकती हैं, लेकिन हम डिस्कशन कर तो सकते हैं वीडियोस गाड़ी के बारे में। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे दोस्तों के लिए मैं जल्द अज जल्द वो वीडियो ला सकूं जिसके अंदर मैं गाड़ी का ऑन वीडियो रिव्यू दे सकूं, गाड़ी के सारे फीचर्स आपको दिखा सकूं और गाड़ी का इन डेप्थ वॉक अराउंड भी हो जाए, रिव्यू भी हो जाए और ड्राइव भी हो जाए। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है दोनों गाड़ियों की प्राइसेस। इस पूरे वीडियो के अंदर हमने मोस्टली दोनों गाड़ियों के सबसे लोएस्ट वेरियंट्स और उनके सबसे हाईएस्ट वेरियंट्स का ही कंपैरिजन करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो हर एक गाड़ी का मॉडल होता है वो जहाँ तो उसका सबसे लोएस्ट वेरियंट होता है जहाँ तो उसका सबसे हाईएस्ट वेरियंट होता है। जो लोएस्ट वेरियंट होंगे उनमें हम उसके मैनुअल और ऑटो दोनों की कीमतें देखेंगे, और हाईएस्ट में हम उसके जो मैक्सिमम वेरियंट हाईएस्ट है जो ऑटो है उसी को ही सिर्फ देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं होंडा सिटी के साथ। होंडा सिटी वैसे तो पाकिस्तान में 2009 से चलती हुई आ रही है, 10 साल से ज़्यादा हो गया होंडा को यही शेप देते हुए। पूरी दुनिया में 2013 में इसकी नई शेप लॉन्च कर दी गई थी, पाकिस्तान में ऐसी कोई शेप नहीं है, इन्होंने उसकी जगह फेसलिफ्ट दे दी। 2019 के एंड में नई शेप पूरी दुनिया में फिर लॉन्च कर दी गई थी जो 2020 मॉडल के तौर पे पूरी दुनिया में आ रही है। अभी तक पाकिस्तान में इसकी कोई खबर नहीं है कि ये इसे चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही 10 साल पुराना वेरियंट जो है ये चल रहा है पाकिस्तान में और इसी को ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। होंडा सिटी में जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है वो 1.3 IVTEC है। उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 23,30,000 रुपये है, और इसी तरह ही जो उसका ऑटो वेरिएंट है उसकी कीमत है 25,10,000। अगर हम इसकी जगह कंपेयर करें टोयोटा यारिस के बेसिक वेरिएंट की कीमतें, टोयोटा यारिस ने जो अपना बेसिक वेरिएंट दिया है वो है GLI। आई गेस ये पुरानी गाड़ी का नाम रखने के लिए या उसकी हेरिटेज कायम रखने के लिए उन्होंने इसका नाम भी GLI दे दिया वेरिएंट का, ताकि लोग मानूस आसानी से हो जाए। तो जो इसका सबसे लोएस्ट वेरिएंट है GLI मैनुअल, उसकी कीमत है 24,70,000, और जो उसका ऑटो वेरिएंट है CVT उसकी कीमत है 26,50,000। अब आप लोगों को पता ही है, मैंने एक और अपनी इससे पहले डिस्कशन की वीडियो बनाई थी टोयोटा यारिस प्राइस इंक्रीज के नाम से, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि टोयोटा ने अपनी टोयोटा यारिस की कीमत एक महीने लॉन्च करने के बाद ही बढ़ा दी।
ये गाड़ी इससे 1-1.5 लाख रुपए सस्ते में लॉन्च हुई थी और उन्होंने उसके बाद इसकी कीमत बढ़ा दी। तो ये जो कीमतें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेटेस्ट कीमतें हैं दोनों गाड़ियों की। अब अगर आप कीमत पे सिर्फ जाएं तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार इन दोनों गाड़ियों की कीमत में तो फर्क है, और काफी फर्क है, यानी 1-1.5 लाख का फर्क है ही हर वेरिएंट में तकरीबन, और जो हाईएस्ट वेरिएंट है उसमें तकरीबन 2 लाख का फर्क बन रहा है। तो बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। पहले जब इन्होंने गाड़ी जिस कीमत पे लॉन्च की थी वो बड़ी एक कंपेटिटिव कीमत थी, और मैं तब भी ये सोच रहा था कि यार अच्छी कीमत पे लॉन्च हुई है गाड़ी और होंडा सिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से टक्कर देगी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कर ही दिया। हो सकता है कि होंडा सिटी की भी कीमतें बढ़ जाएं इस महीने या अगले महीने से, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब हम करेंगे दूसरा टॉपिक डिस्कस, जो कि है फीचर्स। अब पहले तक इससे पहले तक तो आप सोचे होंगे कि यार कीमत में बहुत फर्क है और टोयोटा होंडा सिटी तो यार सस्ती है और अच्छी गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसपे टोयोटा यारिस बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेके जा सकती है। 2018 की ऑटो पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में जितनी भी नई कंपनीज ने आना था कार मेकर्स की, उन्होंने जो भी गाड़ियां लॉन्च करनी थी उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड थे जो रखे गए थे, और हर एक जो गाड़ी अब नई लॉन्च होगी उन्हीं स्टैंडर्ड पे उतरनी चाहिए थी। अब बाकी ऑटो मेकर्स का तो नहीं पता, लेकिन टोयोटा ने जो अभी लेटेस्ट अपनी टोयोटा यारिस लॉन्च की है इसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का बकायदा ख्याल रखा है, और वही चीज़ अभी हम फीचर्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं सेफ्टी फीचर्स का। सबसे पहले तो होंडा सिटी 2009 में जब ये मॉडल लॉन्च हुआ तो इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर सबसे पहला था वो यही था कि ABS था इसके अंदर, जो कि उस वक्त तक एक चीज आम हो चुकी थी हर एक गाड़ी में। और दूसरा इन्होंने EBD दिया था, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ी बड़ी बात होगी 2009 के मामले में शायद, लेकिन आजकल ये वो फीचर है जो 660 cc से गाड़ी से लेकर हर एक गाड़ी के अंदर आ रहा है। उसके बाद होंडा सिटी ने कोई एयरबैग्स नहीं दिए थे जब 2009 में लॉन्च हुई, और आज 10 साल बाद जब बाकी गाड़ियों में एक एक दो दो एयरबैग आना शुरू हो गया है, सुजुकी आल्टो में 660 cc गाड़ी में एक एयरबैग आ रहा है, वैगन आर के नए मॉडल के अंदर एयरबैग आ रहा है, और सुजुकी कल्टस के अंदर भी एयरबैग आ रहा है, तो होंडा सिटी के अंदर किसी भी वेरिएंट के अंदर किसी किस्म का एयरबैग नहीं है। टोयोटा यारिस के अंदर 2 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं हर एक मॉडल के अंदर। दूसरा पॉइंट सेफ्टी का, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। ये फीचर अभी तक सिर्फ हाई एंड पाकिस्तानी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जैसे होंडा सिविक और टोयोटा करोला ग्रैंडे आल्टिस, आल्टिस ग्रैंडे। लेकिन टोयोटा ने जब अपनी टोयोटा यारिस लॉन्च की है तो इसके अंदर ये फीचर दिया है, और ये सिर्फ कोई बटन नहीं है, ये आपकी मुश्किल सूरत हाल में ड्राइविंग कंडीशन में आपकी मदद करता है, और ये बहुत अच्छा फीचर है, और ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है, जो कि होंडा सिटी में नहीं है और ना ही उन्होंने इस मॉडल में दिया है, और आगे का हमें पता नहीं कि क्या होता है। ये दो चीज़ें ही आपकी जान बचाने में इतनी मदद कर सकती हैं कि जितना आप एम्फोसाइज करें ये काम है, ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। एयरबैग्स का तो मुझे था, लेकिन व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट ये चेरी ऑन टॉप है। अगर हम लोएस्ट वेरियंट के डिफरेंसिस की बात करें तो मोस्टली जो डिफरेंस हैं वो यहाँ तक ही महदूद हैं कि इस गाड़ी में एयरबैग है टोयोटा यारिस में, और होंडा सिटी में एयरबैग नहीं है। टोयोटा यारिस में स्टेबिलिटी असिस्ट है और होंडा सिटी में नहीं है। इसके अलावा जब हम मॉडल को अप करते हैं तो ऑटो में भी तकरीबन दोनों गाड़ियों के लोएस्ट ऑटो वेरिएंट्स में भी कोई ऐसा फर्क नहीं है इन चीज़ों के अलावा। दोनों में ही सीडी प्लेयर स्टैंडर्ड आते हैं, ब्लूटूथ आता है स्टैंडर्ड, इमोबिलाइजर स्टैंडर्ड है दोनों के अंदर। उसके बाद दोनों ही गाड़ियों में कीलेस एंट्री भी मौजूद है, जो बेसिक सारे फीचर्स होते हैं। इसके अलावा जब हम हाई मॉडल की बात करते हैं, एक तरफ है 1.5 एस्पायर प्रोस्मेटिक आईवीटेक, दूसरी तरफ है एटिव एक्स 1.5 CVT। यार इतने लंबे नाम कैसे रख लेते हैं, समझ नहीं आती। अच्छा, तो अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे फर्क और ज्यादा वाजह हो जाता है। वो दोनों फीचर्स के अलावा इसके अंदर आपको एक पूरा मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है आपके टेक्नोमीटर में। उसके अलावा आपको इसके अंदर स्टेयरिंग के बटन कंट्रोल्स मिलते हैं जो सिटी में किसी वेरिएंट में नहीं है। उसके बाद आपको इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है जो सिटी में मौजूद नहीं है। ये सारे फीचर्स काउंट होते हैं आजकल की गाड़ियों में,
और ये अच्छे फीचर्स हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज है, स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है टोयोटा यारिस में, हाईएस्ट वेरिएंट में एटिव के, जो के होंडा सिटी में मौजूद नहीं है। इसके बाद एक एक चीज वो है जिसपे मुझे समझ नहीं है कि टोयोटा ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मॉडल में भी वो चीज मौजूद नहीं है तो इसमें भी नहीं है, और वो है रियर आर्मरेस्ट। टोयोटा यारिस के किसी भी वेरिएंट में रियर आर्मरेस्ट नहीं मौजूद, जबकि होंडा के ये हर एक वेरिएंट में मौजूद है। और जो लोग पीछे बैठते हो, दो लोग सिर्फ पीछे बैठते हो, तो ये एक अच्छी सहूलत है और आपके हाथ को, बाजू को काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी मिल जाती है, और उसके अंदर कप होल्डर्स भी हैं। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं जो इन गाड़ियों में फीचर्स में ऐड होती हैं, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर्स यही हैं और एक गाड़ी की वर्थ इन फीचर्स से बनती है, वो सारे मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद अब हम तीसरा टॉपिक बयान करते हैं जो कि मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, और वो है परफॉर्मेंस और उसका इकोनॉमी, जो कि इतना पसंदीदा नहीं है। परफॉर्मेंस दोनों गाड़ियों की, दोनों गाड़ियों के अंदर दो इंजन वेरिएंट्स दिए गए हैं, 1300 सीसी और 1500 सीसी। पहले हम होंडा सिटी की बात करते हैं, तो होंडा सिटी के अंदर दोनों इंजन सिंगल ओवर हेड कैमशाफ्ट में वीटेक टेक्नोलॉजी के साथ हैं। जो 1300 सीसी इंजन है उसकी हॉर्स पावर है 99 HP, और जो 1500 सीसी है उसकी है 118। इसी तरह जब हम टोयोटा में देखा जाए तो टोयोटा के भी दोनों इंजन, टोयोटा के जो दोनों इंजन हैं वो DOHC डबल ओवर हेड कैमशाफ्ट के साथ हैं और VVTi टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। जो 1300 सीसी इंजन है वो 95-96 हॉर्स पावर बनाता है तकरीबन, और जो 1500 सीसी है वो 105 हॉर्स पावर बनाता है। अब अगर आप सिर्फ हॉर्स पावर के मुकाबले देखा जाए तो आप सोचेंगे कि यार होंडा सिटी तो दोनों वेरियंट्स में ही ज़्यादा हॉर्स पावर बनाती है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क आता है जो मैं भी आपको आगे चल के बताने लगूँ। पहली बात तो यह है कि मैनुअल में अगर देखा जाए, वैसे तो हमने टोयोटा यारिस को अभी थॉरली टेस्ट ड्राइव नहीं किया, लेकिन अगर आप उसकी इंटरनेशनल वीडियोस भी देखें और उस गाड़ी के बारे में, उसके इंजन के बारे में सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि जो उसका 1500 सीसी इंजन है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना होंडा का 1500 सीसी इंजन है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह आता है कि दोनों गाड़ियों के ट्रांसमिशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैनुअल 5-स्पीड दोनों में है, लेकिन ऑटो में काफ़ी फ़र्क है। जो होंडा सिटी का ऑटो ट्रांसमिशन है वो वही आज से पुरानी टेक्नोलॉजी 5-स्पीड ऑटो है, यानी 5 गियर ऑटो ट्रांसमिशन है, जबकि टोयोटा यारिस अपनी गाड़ी के अंदर CVT गियर बॉक्स इस्तेमाल कर रहा है, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। इन डेप्थ वीडियो इंशाल्लाह मैं इन दोनों ट्रांसमिशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप जनरल देखना चाहते हैं तो जो होंडा का ट्रांसमिशन है वो उसके इंजन को इतना अच्छा कंप्लीमेंट नहीं करता ऑटो ट्रांसमिशन। मैंने 1500 सीसी भी चलाई हुई है, 1300 सीसी भी ऑटो चलाई हुई है, और वो दोनों गाड़ियाँ स्लो हैं, अपने इंजन कैपेसिटी के हिसाब से स्लो फील होती हैं, जबकि उनके अगर आप मैनुअल वेरिएंट्स चलाएं तो वो बहुत पावरफुल फील होते हैं अपनी कैटेगरी में और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन टोयोटा यारिस की जो मैंने जितनी भी वीडियो देखी है इंटरनेशनल इन दोनों इंजन के साथ, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है कि 1500 सीसी, जो खासकर 1500 सीसी जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है आपको इस ट्रांसमिशन के साथ। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें तो इकोनॉमी में दोनों गाड़ियां तकरीबन सेम है मैनुअल मॉडल्स में। मैनुअल में जो होंडा सिटी है वो आपको शहर में 12 से 15 के दरमियान एवरेज दे देती है, डिपेंड करता है आप किस तरह चलाते हैं, और लॉन्ग पे वो आपको 16 तक एवरेज दे देती है। इसी तरह ही अगर मैनुअल ये 1300 सीसी की बात हो रही है पहले, इसी तरह अगर टोयोटा के 1300 सीसी मैनुअल वेरियंट का देखा जाए तो वो भी आपको लगभग इतनी ही एवरेज दे देगा शहर में और हाईवे पर। अगर 1500 सीसी की बात की जाए, बल्कि पहले हम ऑटो की बात कर लेते हैं 1300 सीसी के, तो 1300 सीसी जो ऑटो वेरिएंट है उसकी एवरेज थोड़ी गिर जाती है शहर में, वो 11 से 13 के दरमियान करती है और लॉन्ग पे वो 15 पे आ जाती है। इसी तरह ही लेकिन अब यहाँ पे फर्क ये आता है कि जो टोयोटा यारिस का ट्रांसमिशन है, क्योंकि वो CVT है और CVT इकोनॉमी में ज़्यादा अच्छे होते हैं सादे ऑटो ट्रांसमिशन से, तो शहर में उसकी जो इकोनॉमी है वो 13-14 के दरमियान रहती है, और लॉन्ग पे अगर जाएं तो वो 15-16 के दरमियान ही रहती है, तो उसमें आपको इतना लॉस नहीं। अब 1500 सीसी में हाईएस्ट वेरिएंट में आके मामला ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। जो कि एस्पायर है 1.5 ऑटो, उसका ट्रांसमिशन क्योंकि वही 5-स्पीड है और वो पहले ही परफॉर्मेंस में कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इकोनॉमी में भी कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर इकोनॉमी स्टैट्स देखे जाएँ तो शहर में आपकी जो एस्पायर 1.5 है ऑटो, वो आपको 10 से 12, जब बहुत हद, मैंने बहुत कम गाड़ियां देखी हैं जो 13 के दरमियान दे रही होती है, लेकिन मोस्टली वो 10 से 12 के दरमियान ही रह रही होती है,
और लोगों के वो 13-14 के दरमियान चले जाती है। लेकिन अगर आप यारिस का देखें तो उसके अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट देखें तो वो इसे बेहतर है, वो तकरीबन उतनी ही एवरेज दे रहा होता है जितना उसका 13 cc ऑटो दे रहा होता है, बल्कि कुछ जगहों पे बेहतर एवरेज ही दे रहा होगा क्योंकि उसे जोर कम लगाना पड़ रहा होगा। हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं जो क्या है, कम्फर्ट, कम्फर्ट, रिलायबिलिटी और स्पेयर पार्ट्स। होंडा सिटी की एक बात बहुत मशहूर है और वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है। ठीक है, भागती सही है, शहर के लिए बेहतरीन है, इकोनॉमी भी उसकी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसके कंफर्ट की बात करेंगे तो जो होंडा लवर होगा वो तो शायद ना इस चीज़ को माने, और मैं खुद एक होंडा लवर हूँ तो ये कहते हैं मुझे अफसोस हो रहा है कि होंडा सिटी इतनी अच्छी कम्फर्टेबल गाड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक, उसकी सीट्स हार्ड हैं, दूसरा उसका सस्पेंशन स्टिफ है ज़्यादा। स्टिफ सस्पेंशन हैंडलिंग के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हर कोई रेस तो नहीं कर रहा होता, फैमिली कार्स के तौर पे ही ये इस्तेमाल होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस गाड़ी का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। सीट्स अगर उसकी थोड़ी नरम हो जाए तो शायद आप सस्पेंशन बर्दाश्त कर लें, लेकिन मैं खुद क्योंकि हमारा गाँव आना जाना बहुत ज़्यादा है हमारी फैमिली का, मैंने खुद गाड़ी बहुत चलाई हुई है गाँव के सफ़र में, और यकीन माने आप ज़्यादा सफ़र उसके अंदर गाँव का नहीं कर सकते। टोयोटा की रेपुटेशन इसके मुकाबले में काफ़ी अच्छी रही है हमेशा से, इस गाड़ी को कच्चे पक्के के लिए ही समझा जाता रहा है कि यार ये गाड़ी कच्चे पक्के हर जगह जा सकती है। टोयोटा करोला ने अपने हर एक मॉडल में ये बात प्रूव की है कि वो गाड़ी कच्चे में भी और पक्के में भी जा सकती है, और टोयोटा करोला GLA XLI भी बेहतरीन थी इस मामले में। लेकिन टोयोटा यारिस क्योंकि एक नई गाड़ी है, इसका भी इन डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं पता चल सका, तो मैं बिल्कुल बायस होकर कोई रिव्यू नहीं दूंगा इस बारे में, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी टोयोटा करोला थी GLA या XLI। उसमें थोड़ा हिट आया है, ये अगर देखा जाए तो ज़्यादा करीब होंडा सिटी के है रेदर देन के ये टोयोटा करोला के है, लेकिन फिर जब गाड़ी सड़कों पे आएगी, लोग चलाएंगे, मैं खुद चला के देखूंगा, फिर इस चीज़ को मैं आपको अपडेट करके ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद रिलायबिलिटी की बात करें तो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि होंडा और टोयोटा पूरी दुनिया में ही दो सबसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ियों में से एक है। जहाँ तक रिलायबिलिटी की बात है, होंडा सिटी 10 साल से पाकिस्तान में है और एक अच्छी रिलायबिलिटी रिलायबल गाड़ी है, और इसने कभी लोगों को तंग नहीं किया ज़्यादा, पुरानी गाड़ी ने भी नई गाड़ी ने भी, ज़्यादातर लोगों ने 2-2 लाख से ऊपर भी चला लिए हुए हैं मॉडल, और तब भी इस गाड़ी में इतना रिलायबिलिटी इशू नहीं आया। हाँ, एक इशू ये है कि इस गाड़ी का मटीरियल इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, तो कुछ साल बाद वो मटीरियल थोड़ा लूज़ होना शुरू हो जाता है, इंटीरियर का भी और एक्सटीरियर का भी आप कह सकते हैं। टोयोटा यारिस की जहाँ तक बात कर लें तो उसके क्योंकि अभी नई गाड़ी है, लेकिन अगर आप होंडा की रिलायबिलिटी को, टोयोटा की रिलायबिलिटी को देखें तो पूरी उम्मीद है कि गाड़ी रिलायबिलिटी में भी उतनी ही सॉलिड होगी जितनी इनकी पुरानी गाड़ियाँ थी, और मैंने जितनी अभी तक वीडियोस देखी और मैं खुद भी गाड़ी को जब ऑब्जर्व करूंगा तो उम्मीद है कि गाड़ी अच्छी ही दिखने में नज़र आएगी। उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसे बहुत अहमियत दी जाती है पाकिस्तान में। तो जहाँ तक स्पेयर पार्ट्स की बात है, वो क्योंकि होंडा सिटी 10 साल से यहाँ पे चल रही है, उसके लोकल स्पेयर पार्ट्स भी ज़्यादा अवेलेबल हैं और जेन्युइन तो हैं ही हैं, तो उस मुकाबले में वो गाड़ी शुरू में स्पेयर पार्ट्स में इससे सस्ती ही होगी टोयोटा यारिस से। लेकिन हर नई गाड़ी जो पाकिस्तान में आती है उसके स्पेयर पार्ट्स हमेशा महंगे ही होते हैं, तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह वो गाड़ी चलती रहेगी स्पेयर पार्ट्स उसके भी सस्ते हो जाएंगे। जहाँ तक रीसेल की बात है, रीसेल भी हमारे यहाँ पे यार बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट रखा जाता है, यानी गाड़ी भी नहीं आई भी नहीं होती पहले उसकी रीसेल की बातें कर रहे होते हैं, तो रीसेल होंडा सिटी की बेहतरीन रही है, टोयोटा की हर एक गाड़ी की बेहतरीन रही है, और पूरी उम्मीद है कि टोयोटा यारिस की भी बेहतरीन ही रहेगी। अब इन्हीं सारी चीज़ों से मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द अपलोड कर दूंगा टोयोटा यारिस की इनडेप्थ वीडियो। उतनी देर के लिए अब सारे लोग खैरियत से रहें, घर में महफूज रहें, इस कोरोना की वबा से बच के रहें। खुदा हाफिज़।